आज तुम बना रही हो इफ्तारी? आज हीरा बना रही है। मम्मा मैं क्या खाऊंगी? बीमारों वाला खाना खाऊंगी, ये वाली इफ्तारी नहीं खाऊंगी। नहीं, इसको हाथ नहीं लगाना। और तेरे लिए मैं अभी दिखाती हूँ जो मैंने तेरे लिए बना के रखा है। मेरे लिए पता लगे मुझे खिचड़ी देनी है। अभी हमारे साथ रही है, जाना नहीं कहीं, कनेक्टेड रही है। वो टिक्कियाँ खाएंगे ना तुम्हारा? हाँ, मैं टिक्कियाँ खिलानी है। बस दबा रही करता नहीं ना, दबा दे। सही से सेवा करो मेरी। चारों महीने हाथ लगाएंगे तो तुमने सेहतमंद हो जाना। मेरा घर गंदा तो नहीं किया? थोड़ी सी फ्रूट चाट की दिलाई थी मैंने सोफे पे। Assalamualaikum everyone, welcome to astrology, this is me Krakawal, welcome to another vlog, welcome to another very beautiful day. दिन तो मेरा बहुत अच्छा नहीं है क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, बुखार बहुत तेज है और बहुत बीमार हुई मैं, सारी रात सही से सो नहीं सकी हूँ। और अब फिर मामा ने कहा कि मैंने पानी गर्म कर दिया कि स्टीम लो एक दफा फिर, ताकि थोड़ा सा रिलीफ मिले और नींद आ जाए, क्योंकि नींद ही नहीं आ रही सही। सर इतना वजनी हो रहा है, इतना दर्द हो रहा है। खैर मैंने कहा मैं व्लॉग स्टार्ट करती हूँ क्योंकि लोगों को आदत पड़ी हुई है मेरे व्लॉग से अपना दिन स्टार्ट करने की। तो मेरा दिन जैसा भी है आप लोगों के लिए, तो आप लोग तो देखते हो उसको एंजॉय करते हो। चले जी गाइज, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। एंड बिल्कुल भी आप लोगों ने जो है वो अपने साथ जो है ना वो बेतनाई नहीं बरतनी है, परहेज करना है, अपनी सेहत का ख्याल रखना है, क्योंकि उसके बाद ये आदत हो जाती है और ये नाकाबिले बर्दाश्त है। ये एक अदद लड्डू पेड़ा। मुझे लग रहा है कि मेरी जो तबीयत खराब हुई थी ना, अभी भी थोड़ी थोड़ी फ्लू हुआ है, तो मुझे लगता है वो वॉक करते करते आप ही के घर तक गया है मेरा बुखार। तुम्हारी वजह से, तुम आई थी ना उस दिन? लेकिन उस दिन मेरी तबीयत तो नहीं खराब थी, राबिया और मेरी दोनों की साथ होती है। तुम्हारी और राबिया की साथ होती है, मेरी और अदीब की साथ होती है। चलो मेरा सर दुआ मानो, मेरा सर बहुत दर्द हो रहा है, बुखार हुआ है। हाँ अच्छा, आ रही हूँ आ रही हूँ। मम्मा ने स्टीम के लिए पानी रखा और वो कह रही है व्लॉग शुरू। आ रही हूँ सॉरी। चलें जी गाइस, मैंने स्टीम वगैरह ली, थोड़ी रेस्ट वगैरह की है, अभी थोड़ा सा बेहतर फील कर रही हूँ, थोड़े वापस उसमें आई हूँ मूड में। और मेरी बहनें नीचे आ चुकी हैं, अम्मा आ चुकी हैं सेवा के लिए मेरे पास। तुमने देखा है कैसे रूटीनें चेंज हुई हैं तुम्हारे जाने के बाद, क्या कुछ चेंज हुआ है। बहनों ने किचन संभाल लिया है, सारी चीजें हो गई है। अब मैं देख के अकल आई है कि उसने अब संभालना, हम पहले से ही सीख ले, फायदा होता है। मैं ऐसी ही थी, अलग बात है कभी मुझे मौका नहीं मिला था सहरी इफ्तारी बनाने का, इसीलिए मुझे अब जब मौका मिल रहा है और साथ साथ मैं अपने, आज तुम बना रही हो इफ्तारी, आज हीरा बना रही। आज तुम्हारी बारी नहीं है, तुम लोगों ने मेरे बगैर बारियां लगा ली हैं यार। तेरा ना जरा साथ में मेरा सर दबाओ आके। अभी अच्छा मैं जरा जा रही हूं, चेक करो खिदमत कर। हाँ। बोल बे, माँ की कमी ना फील होंगी। हाँ। घर की बड़ी है ना, अच्छी अम्मी बन गया, बहुत अच्छी अम्मी है। अच्छी चल दबा दे थोड़ा, मैं मेरे मम्मा की गैर मौजूदगी में राबिया जैनब को तो बड़ी खिचड़ी हूँ, सभी ठहर के दबा देती हूँ तुम्हें। फातिमा ने कहा ना दबाती हूँ गला। चलो जी गाइस, मेरी थोड़ी तबीयत बेहतर हुई है और मेरे घर पे इफ्तार का सामान जो है। वालेकुम अस्सलाम, ये इफ्तार का सामान सारा हीरा लेकर आई है, बाहर की सारी इफ्तारी करवा रही है तुमने, करवा आज मम्मा हीरा की बारी है तो वो रेडीमेड इसकी होती है, भी रेडीमेड क्या करती हो तुम्हारा। छोटी छोटी बच्चियां, मैं यूनिवर्सिटी भी जाती हूँ, साथ मैंने रोजा भी रखना होता है, इसे नहीं बनाई जाती इफ्तारी, समझा। छोटी छोटी बच्चियां देखो, कांचो पहन के जाती, रोजा कैसे जा रहा है तुम्हारा? अच्छा जा रहा है, शक्ल से तो लग रहा है। शलवार कमीज पहन के गई थी। हाँ, नजर आ रही है राबिया तुम्हारी शलवार कमीज। तुम इस इफ्तारी पे नजर ना रखो, इधर आओ, तुमने कुछ नहीं खाना, इधर आओ। यार हीरा तुम इतना सारा किसके लिए लेके आई हो? हीरा के बॉक्स खुलेंगे सब दिखेगा। हाँ वो हीरा भाई हीरा बना रही है, हीरा अपने लिए चीजें लेकर आई है, डिस्ट्रीब्यूट वगैरह करेगी। मम्मा मैं क्या खाऊंगी? बीमारों वाला खाना खाऊंगी, वाली नहीं, इसको हाथ नहीं लगाना। कैमरे में दिखा सकती हूँ, टिड्डी में नहीं डाल सकती मम्मा। ये ज्यादती नहीं है यार, मेरी बहन इतना सारा सामान लेके मेरे मुंह में बाहर। मैं क्या पता था हीरा, तू बाद में कर रख लेती जब ये सही होती। हाँ, देख तुझे फिर खिला देंगे। हीरा भी मैं अभी दिखाती हूँ जो मैंने तेरे लिए बना के रखा। मेरे लिए पता लगे मुझे खिचड़ी देनी है, बड़ी मजे की चीज है। अब काम कर ले, फिर तेरी बाट लगाती हूँ तुझे चीजें, तेरे लिए क्या बनाया। मेरे लिए आप फिर अलग इफ्तारी बनाएंगी? अलग जी, सब लवाजमत इंजॉय करेंगे, मेरे लिए अलग इफ्तारी बनेगी। अब पता नहीं मेरे लिए क्या इफ्तारी बनती है, लेट्स सी। इफ्तारी में भी थोड़ा सा टाइम रह गया और मैं फिर से, मुझे बुखार तेज हो गया और ये सब लड़कियां जा रही हैं। कहाँ जा रहे हो? मैं डब्बे बांटने में, जो इफ्तारी पड़ी थी सारी बांटने जा रही है, ये लोगों में वेट कर रही हूँ। मेरा पता राम नाल सुता रहा, तेरे लिए इफ्तारी आंदी भी स्पेशल आएगी, तू टेंशन ना ले। तेरी देखना दस सब लोग हैरान होंगे, वाह जी वाह, इसकी इतनी अच्छी। ये बांटने वाले काम आज कर रही है, बस वो डब्बे शब्बे बना देंगे, कचोरी कुछ समोसा कोई गल नहीं। नहीं नहीं नहीं, ऐसे बंदा ठीक नहीं होता। क्या हेल्प कराऊं, मेरी अपनी हेल्प हो जाए। ये अभी उठ के आया, जब घर की सारी रौनक चली गई, डब्बे शब्बे निकल गए। तुम्हारे घर वाले कहाँ हैं मानो? सो रही थी, नींद आ रही, पर मेरा गला इतना दर्द हो रहा है। तुम भी बीमार होने लगी हो? हाँ,
ठीक तो नहीं लग रही हो तुम। मुझे देखो घर में वो सारे डब्बे लेके गए, वहाँ इफ्तारी आई थी, सारे बांटने के लिए चले गए। बांटने गए, अभी इफ्तारी नहीं हुई। चल जाओ तुम भी बांट के और जाओ। One hour later. ये देखिए जी, ये सारी लड़कियां यहाँ बैठ, ये चूहा बिल से इसलिए देख रहा है क्योंकि ये बिल्ले जो है ना बैठ के समोसे पकौड़े चकोड़ियाँ और यस आई नो आई एम नॉट अलाउड। तो ये लोग गाइस बांट के आ गई थी, तो फिर इफ्तारी का फौरन टाइम हो गया। वो सब कुछ खाने के लिए ना ठीक होना जरूरी है, पहले ठीक हो जाए फिर वो तुम्हें मैं खिला दूंगी। खिला देंगी अभी मम्मा साथ में खिचड़ी नहीं रखी आपने? हाँ खिचड़ी ला रही हूँ, मैंने कहा पहले इसको ये खिला दो। ये मम्मा ने मेरे लिए फ्रूट्स है, ये हीरा मेरे लिए स्पेशल फ्रूट्स लेके आई। ये देखो एक्स्ट्रा फ्रूट, क्या खाना है मम्मा? मुझे सब कुछ, मुझे ये भी काट दे, मुझे वो भी काट दे और चीजें काट। देखते हैं अभी मीठा निकलता है कि नहीं, इकरा की किस्मत यार। ये तो ऐसे कर रही जैसे पटा पराठा गिन रही होती है मम्मा। देख लेना फिर तुम आपकी आइडिया, रेस्टोरेंट खोलो उसका नाम रखो पटा पराठा। अल्लाह क्या तुमने बेस्ट आइडिया दिया मम्मा, बताओ मीठा निकला है मेरी किस्मत में। मीठे खरबूजे कहते हैं चंगी फूफी तो मीठा खरबूजा किस्मत आलिया ने मिलता, मीठा निकला है। मेरी फूफी भी चंगी है, मेरी फूफिया खुद पर्सनल बहुत ज्यादा अच्छी है। बिल्कुल मम्मा सबकी पर्सनल फूफिया ही होती हैं यार लेकिन जो फूफिया ये बनती है ना मेरी बहनें बनती हैं अक्सर, देख लो वो मैंने ना वो ज्यादा नहीं खाया, मैंने कहा इकरा के साथ बैठ के फ्रूट खाऊंगी। मेरे लिए इकरा के साथ ही कर रही हूँ, ये लो ले लो। ये देखो मेरी इफ्तारी में तुम क्यों कूदने आई हो, मैंने तुम्हारा समोसा खाया क्यों तुम? मजे का इतना मीठा खरबूजा इकरा, क्या मजा आ गया खा के वहाँ यार। मम्मा सब मीठा उसी को खिलाई जा रही है सारा, मुझे सारा कुछ वो भूल गया, दिल कर रहा खरबूजा ही खाऊं बस। खरबूजा मम्मा कह रही पैसे जाया किए, खरबूजा खा के याद आ रही है समोसे पकौड़े? नहीं ना आ रहे? नहीं मम्मा नहीं आ रहे याद। आप मेरी अम्मा का बस चले ना तो मुझे उबले हुए खाने। मैं अपना चूरन ऐसे ही चमकाती हूँ जब बच्चों को खिलाना हो ना तो कहती हूँ इसके बड़े फायदे हैं। देखा कहाँ से था अम्मी? कहती यूट्यूब से। कहती अम्मी का यूट्यूब बंद कराओ, टिकटॉक बंद कराओ। नहीं अच्छा सही वाला खाना तेरे लिए बना रही हूँ, इनसे अच्छा है इनको हाथ ही लगाने देना फिर मैं। ठीक है डन, अभी हमारे साथ रहिए, जाना नहीं कहीं, कनेक्टेड रहिए आपको जी। ये जो आपका ट्रांसमिशन शुरू की हुई है ना मेरी माने लग से, उसके लिए कनेक्टेड। अब मैं आप लोगों को उसकी रेसिपी दिखाऊंगी, बहुत मजे की, आप लोग भी रमजान में बनाइएगा। वो होती है वो पीछे आता है ना, अरे मुझे रोस्ट करता है ना ये मम्मी को, रोस्ट पूरा आपके घर में कम हो गया। ये मैंने साथ खड़ी की हुई है, अगर कुछ भूल जाऊँ तो बोल देना। मेरी मामा की रेसिपीज ज्वाइन करें, आप लोगों ने यकीन करें वो टिकियां खाएंगे ना तो मजा आ जाएगा। आज मैंने वो मामा टिकियां खिलानी है। नहीं आपने मुझे बताया, आपने मैं टिकियां खिलानी है आपने मुझे, शाम में खिलानी है मजे की घर वाली, उसकी पूरी रेसिपी बताऊंगी। मैंने मम्मा का मीठा यकीन था, मुझे पता था इकरा हीरा ने अफ्तारी करवानी, मैंने कहा नहीं इकरा को ने वो खाना नहीं, तो ये उसके दिल में बात ना आ जाए कि अम्मी ने मेनू की खुआया है। मैं उसके लिए शामी बनाती हूँ स्पेशल, उसके लिए स्पेशल मैंने बनाई है, सारा मटेरियल मैंने बना के रख लिया है, सिर्फ अब उसकी बना के रख लिया। मुझे लगा ये कहने लगी चल नहीं खा खरबूजा जल्दी खा, एक तो बीमार बच्चे हो जाए तो खुआना बड़ा मुश्किल है इन्हें। मम्मा ये खाना कभी आपने इसलिए खाना आपने मुझे नहीं खिलाया, मैं बीमार भी हुई हूँ। रूटी खिलाना है, देखो सही हुई है कि नहीं, पहले से कितनी बेहतर है मम्मा। बेहतर हूँ लेकिन बुखार चेक कर लो एक दफा। नहीं उतर गया, उतर गया सामान, पिछली तरफ करो। ये क्या है बकवास, समोसा दिखा के खा रही है। सबसे ज्यादा तबीयत खराब इसकी होती है, आओ आओ इसने कर, हाँ उल्टियाँ भी ये कर रही होती है। मैंने कह देना पापा को फोन कर देना की बदपरेजियाँ चल रही है। कहते हैं लोग लगा रहे हैं कि राबिया और ज़ैनब गोलगप्पे खाती हैं, गंद खाती हैं, दही भल्ले खाती हैं, क्या क्या खाती, सारी शिकायतें पापा को उधर लोग लगा रहे हैं। छोड़ा हुआ है, चिप्स नहीं खा रही मैं। आलू तो तुम खुद हो, तुम्हें चिप्स की क्या जरूरत है? प्रेज करती है ना। हाँ? प्रेज कर रही हूँ मैं, कुछ तो प्रेज करती है। जब आप ठीक होते हैं ना तो ऐसी चीजें खा सकते हैं, लेकिन बीमारी की हालत में बिल्कुल भी नहीं खाना, इनसे दूर रहना। अम्मियों का खाना सिर्फ खाएं। अब जो है वो मैं फ्रूट खा लेती हूँ, उसके बाद नमाज वगैरह, फिर एक सेब खाना है, फिर नमाज पढ़ के फिर बाकी की चीजें करते हैं। ठीक है अब सब लोग नमाज पढ़ने के लिए निकल गए, अपना अपना कर ले टिकियां शिकियां। ओके गाइस, ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, गाइस मैंने नमाज वगैरह पढ़ ली थी, यहाँ ये लड़कियां भी पढ़ के बैठ चुकी हैं, और अब बस फोन टाइम। फोन टाइम को भी फोन छोड़ भी दिया करो। तुम क्या सॉक्स पहन के क्यों घूम रही हो? मेरे लिए अभी गर्मियां सर्दियां गई नहीं है, गई नहीं है इसलिए तुमने लॉन का कुर्ता पहना हुआ है। इफ्तारी के बाद नमाज पढ़ने के बाद नींद का कोटा पूरा करते हुए फिर सोऊंगी। नींद पूरी, एयरिंग्स तो निकाल दो, बालियां तुम भी सोने लगी हो, तुम तो सो के उठी हो। मम्मी सो के उठी, इसलिए फोन यूज कर रही हूं।
चले जी, मामा जो है वो बना रही है मेरे लिए स्पेशल शामिया, पता नहीं क्या जो मुझे कह रही है साथ में। इतना थक चुकी थी, मैंने कहा इत्थे जरा शहन शवा तेरा बह के आराम नाल सोफे ते बना क्या रही है इसके अंदर क्या क्या है। मैंने दाल चिकन जीरा मसाले लहसुन अदरक डाल के इसको बॉईल कर लिया था, इसको बॉईल कर दिया। मम्मा बॉईल भी इकट्ठा कर देती हैं, मसाला अंदर ही है तो दाल के अंदर चिकन का भी टेस्ट आता है। अच्छा, बड़ा मजे का लगता है। मैं तो मम्मा मवाद इकट्ठा करवा के उबाल के बस आपने मुझे बनाया, मैंने जाके सिर्फ फ्राई करनी है। आप ही बना, वो तो मैं दे ही दूंगी, कभी बनानी भी पड़ जाती है वो मैं तरीका बता रही हूँ, तुम्हें नहीं बता रही, देखने वालों को बता रही हूँ कैसे, मुझे ही बता रही है इनडायरेक्टली। चला है लोग अक्सर चीजें बना के ना ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेते हैं, इसको ना बड़ा बारीक पीस, लेकिन मैं इसी से पीसती हूँ इससे। ये मम्मा का फेवरेट है, दिखाना जरा मुझे, चेक कराए मैं लोगों का गुस्सा जरा इस पे निकालो। ये मैंने एक मिनट, 1 2 3 ओए आराम से, अब मेरा मेज टूट जाएगा, बदतमीज आराम से। मम्मा मेज नहीं टूटता यार, मार्बल है प्योर। मैं बड़े आराम आराम से लगी हुई हूँ, मुझे पता है। लूं फिर बाद में बताती हूं। ओके, बहुत कुछ हो रहा है गाइस, वो भी आपको फिर मैं दिखाऊंगी कि मम्मा की स्पेशल आलू की और दाल की और चिकन की टिक्कियों में क्या डलता है लवाजमात। पीसने के बाद शक्ल देखना इनकी क्या बनती, दिखाएं क्या बनती। अभी पीस तो लो, तंग कर रही हूँ मम्मी। पीसने के बाद ये शक्ल निकले, जब ग्राइंडर में पीसते हैं ना तो तब तो वो फलूदा बन जाती है, वो मजे की नहीं। देखिए इसमें अलग अलग रेशियां हैं। हाँ, ये इसके कुंडे के पीस। अब आलू पीसते हैं। अभी चलें जी, हमारी रेसिपी में जो है वो धनिया और सूखा धनिया शामिल हो गया है। सब्ज धनिया, सूखा धनिया, ये हम टर्की से मसाला लेंगे, मैं हर चीज में डाल। टर्की का मसाला ये आवाम कहाँ से लेके आए, जो टर्की के मसाले की प्रमोशन। जब तक हमारे पास है तब तक सुखा लेते हैं, तब तक स्वाद बहाल कर लेते हैं। और मैं बस वेट कर रही हूँ कब ये टर्की के मसाले वाली टिकियां बने और मैं खाना खाऊं। मम्मा बीमार हूँ, चाट मसाला कम डालें, थोड़ा सा डालें। मैं आपको बताऊं, इसका नाम है टर्की टिक्की, ठीक है। इसके अंदर जितने मसाले इस्तेमाल हुए सारे टर्की वाले हैं, और वो सारी चीजें करके मम्मा फ्राई करके फिर मुझे देंगी और आधी मुझे प्लेट में पैक करके देंगी, जो मैं घर जाके फ्रीज कर लूंगी। ये मैंने अपनी सारी किताबें छंटी की हैं, मुझे जर्नल लिखने का बड़ा शौक है, तो ये मेरा पर्सनल जर्नल। कुछ ले गई थी, कुछ यहाँ पे रह गई थी, और कुछ यहाँ पे मैंने अपने कपड़े निकाल के रख लिए हैं। ये मेरे कपड़े हैं जो मैंने लेके जाने, और भाई ये जो मैंने मंगवाए हैं ना, असल सौगात तो ये है, बोरियों में कपड़े पड़े हुए हैं मेरे। ये बोरी अनबॉक्स करूंगी, इसमें से कपड़े छांटी करूंगी, आधा मैंने मेकअप भी छांटी किया है जो मैंने पहले रखा था निकाल के, कि ये सारा मैं लेके जाऊंगी एक बास्केट में, वो पड़ी वो बास्केट। थोड़ी देर में अरीब साहब भी आ जाएंगे, फिर मुझे घर भी जाना, और अब मैं पहले से बेहतर फील कर रही हूँ। जो बोरी मैंने इस वक्त अनबॉक्स किया ना, उसमें मेरे सारे जो कैजुअल वेयर्स थे ना, वो सारे उसमें रखे हुए थे। अभी घर जाके इसको सेट करके ऑर्गेनाइज करके रखूंगी और फिर पहनूंगी। ये कॉकरोच जहाँ फिरेगा ना, वो खाना नहीं ठीक होगा। कॉकरोच को बाहर निकालने, आपकी फ्रिज में घुसा हुआ है मम्मा। एक कॉकरोच को खाने के लिए थोड़ा सा सही है तेरा खाना शुरू। अंडे डाल दो मम्मा इसको, अंडे फेंट के दो इसको, सरफेस के अंडे थोड़े। ये मम्मा ये जो मुझे घर के लिए देनी है उसी के अंदर से फ्राई करी जा रही है। ये हमारा अपना ट्रे, अपने से खिला रहे हैं, तेरे वाला रख दिए। रख दी है, मुझे लगा मेरे लिए पूरी ट्रे बनाई है मम्मा ने, और उसी ट्रे में से भी खिलाई जा रही है। बनाया करूंगी, तुम्हें भी एक ट्रे भेज दिया। चलो डालना, मेरी मम्मी ने फाइनली, मेरी मम्मी ने फाइनली मेरी, तुझे दूसरी डिशेज को पीछे कर देंगे जो मैंने बना छोड़ी। मम्मी ने प्यारी मजे की टिकियां बना छोड़ी है, इसका सॉस कोई नहीं दे रही है, कह रही है बीमार है, तो ना तो सॉस नहीं खाना, तो सिर्फ खिचड़ी खानी है। तो बस पहले टिक्की टेस्ट करके आपको बताती हूँ, टेस्ट वेस्ट मैं खुद तोड़ के दिखाऊंगी। ये देखो ऐसे, ये देखो अंदर से देखो क्या निकली है। ओए रिश्तेदार होती है जब हाथ से पीसते तो। राबिया की इस तरह पटाई किया करे, ताकि राबिया भी इस तरह रिश्तेदार हो। राबिया नहीं तो चार्जर के लिए, चार्जर की खातिर लड़ती मुड़ती रहेगी। आपकी स्पेशल शामिया बन रही है, सूखे फूके समोसे, वाह मम्मा ने समोसे, चकोरियाँ, पकौड़े, पता नहीं क्या क्या गंद खाया है। पापा जी गंद नहीं खाया, बाहर की चीजें इसने खाई है, सही हो गई थी, खा सकती है, लेकिन आप ही नहीं अभी खा सकती, अभी ठीक नहीं हुई। लेकिन यकीन करे बहुत मजे की बनाई मम्मा ने, माँ के हाथ का अलग ही टेस्ट होता है। ये जो डब्बों वाले फ्राई करते हैं ना, जो फ्रोजन लेके आते हैं, उसका कोई इतना खास फायदा नहीं होता, वो इतने टेस्टी नहीं होते, लेकिन घर की बनी की अपनी ही अलग ही। मैं खाना शाना खा लूँ ना, फिर आप फिर ये मेरी बहनों से मैं अपनी प्रॉपर सेवा करवाऊंगी। मम्मा कहती तुम्हारी सेहत इसलिए नहीं बनती क्योंकि तुम खाना खाते हो, फोन यूज करती हो। हाँ, खाना खाते हो पूरा फोकस खाने पे होना चाहिए, फोन पे नहीं। हाँ, जो लोग खाना खाते हो फोन यूज करते हैं ना, नहीं 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 गाइस, खाना खाते हुए आप मेरा व्लॉग देखते हैं तो फिर आपकी सेहत अच्छी बनेगी। इधर ये सब ये तो वो बात होगी कि मछली के बाद, मछली खाने के बाद पानी ना पियो, वरना मछली तैरने लग जाती है अंदर। तैरने नहीं लग रही थी, कहते हैं रंग छिटिका हो जाता है, वो पानी से थोड़ी होता है, थोड़ी दूध से।
था. मम्मा के लॉजिक से चले जी गाइस, मैंने बस थोड़ी देर में निकल जाना, जैसे गरीब ने आना मेरी बहनें आ गई है मेरी सेवा करने के लिए. ये कौन है? चले तू बाजू दबा, बाजू दबा रही मैं तुम्हें चिपेड़े मारूंगी. गर्दन का रास्ता दूर नहीं है, साथ ही है यार. ये कितनी बदतमीज, तुमने मानो तुम तो सही से सेवा करो मेरी. चारों बहने हाथ लगाएंगी तो तुमने सेहतमंद हो जाना, देख लो. मैं बहुत हाथ लग गया चारों बहने सही सही से. अब चारों बहनों का हाथ लग गया, इकरा अभी भी ठीक ना हुई तो फिर देख. मम्मा देखे बस की बुखार है. नहीं फिर सही होगी, देख लो हाथ लगा. मैं तुम्हें एक लगा. आप भी ऐसा फील नहीं होता कि आपके हाथ देखो, मुझे देखो, मुझे एक मिनट बता दो बुखार है. नहीं मैं थोड़ी बहुत ठीक हो गई हूँ मेरी बहनों की खिदमत की वजह से जो इन्होंने मेरी थोड़ी सी की है. चलें जी गाइस, मैं ना सारी चीज़ें वगैरह पैक करके बैठ गई थी रेस्ट करने, क्योंकि मुझे फिर से बुखार हो गया, हल्का फुल्का हो गया, फिर से सर दर्द हो रहा है. अब बाहर अरीब साहब आ गए, पूरा दिन गुजर गया इस लड़के ने मुझे इंतज़ार करा और मुझे अब लेने के लिए आए हैं. जैसे ना इसको याद ही नहीं आई मेरी. वालेकुम अस्सलाम. मेरी बीमार बेगम, क्या हाल चाल है आपका? आपको याद आ गई है मेरी इस वक्त? मुझे तो हर टाइम आपकी याद आती है. सुबह का पूछ नहीं रहा, पूछ रहे हैं. तो इतनी चमक क्यों रही हो है? क्या बीमार हो गए लोग? बीमार वो डाल हो जाते, तुम चमक रही हो है. रह के जाना नहीं घर है, याद नहीं है तुम्हें? खुद नहीं आई कि चलो घर जाओ, मेरा बंदा अकेला है घर में. बंदे को मैं कब से कह रही हूँ मुझे लेने आ जाओ, मुझे लेने आ जाओ, मुझे लेने आ जाओ. मैं अपना सामान पैक करके भी बैठी हुई हूँ, ये लड़का आ पाया. मैं चाह रहा था, मैंने कहा जरा प्रॉपर सही हो गया हो ना, फिर ये ना कहो गया जल्दी लेने आ गयो. क्या सीन है? उठते हैं निकलते हैं, क्योंकि पहले भी काफी देर वेट किया. कंफर्म? हाँ. तो कह रहा है लो एक और दिन. हाँ? कहाँ मिलेगा इतना अच्छा इंसान, इतना अच्छा बंदा जो खुद कह रहा है लो एक और दिन. मजा आया, खिदमतें करवाई सबसे अच्छा. बहन थोड़ा सा दबवाया. आई ही इसीलिए थी कि मैं खिदमतें करवाऊँ सबसे, अपने जरा रोप झाड़ू. अब शोहर मेरा हाथ दबाएंगे. आप सब मिलने आए हो? मैं मिलने आया हूँ, कल सुबह ले दूंगा, कोई बात नहीं रहा. वैसे भी लेट हो गया, बस हो सुकून से रेस्ट करो और सुबह इंशाल्लाह मैं लेने आऊंगा. दिल नहीं मेरे अपना घर याद आ रहा, मेरा घर गंदा तो नहीं किया? पता लगे जाऊँ तो मेरे बेड का हाल, मेरे बेड शीट से दर्द. थोड़ी सी फ्रूट चाट की आई थी मैंने सोफे पे, अल्लाह टेंशन में. फिर मैंने इसको साफ किया, सारा कपड़ा मार के साफ हो गया. अरे वो व्हाइट कलर के सोफे हैं. अभी मैं चाहे मैं बीमार हूँ ना, मैं फिर भी आपकी वाट लगाऊंगी. खैर कोई नहीं, तो अभी हम नहीं जा रहे हैं. ठीक है, चुप करके दवाई खाओ, खाना खाओ और सो जाओ चुप करके. कल इंशाल्लाह लेके जाऊंगा वापस. ठीक है, हमने दावत करनी थी तो दावत भी किसी की दावत करनी. हाँ, थी किसकी करनी है बाहर बताएंगे. हाँ, तो वो भी अब थोड़ी डिले करनी पड़ेगी. ठीक है, क्योंकि बीमार है हस्बैंड वाइफ दोनों. मेरी अपनी हालत इतनी ज्यादा ठीक नहीं हुई हूँ मैं तो. इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मुलाकात होगी आप लोगों से. आज मैं अपने घर नहीं जा रही, यहीं पर रुक रही हूँ. इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं. उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा. मेरे लिए स्पेशली दुआ करना, अपनी दुआओं में खास याद रखिएगा. अपना बहुत सारा ख्याल रखें. बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.